आपने कहा कि आपकी मूछों में 45,550 हाँ 350 बाल हैं, तो ये 0.6354 ये क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि तुझको नहीं पता है, तू एकदम घटिया है, एकदम विद्यार्थी जो हो रहा है, कलंकित विद्यार्थी के नाम पे। अब हम तेरे पिछवाड़े पे 2 से भाग करके 4 से गुणा कर देंगे ताकि तेरा जो पिछवाड़ा है ना वो त्रिभुज से चतुर्भुज हो जाए। समझ गया? गुस्सा दिला रहा है, पानी से पतला गुस्सा हमारा बह जाता है। हाय दैया, हाय दैया, तो हाय दैया। अब सुताई करेंगे तुम्हारी। हाय दैया, तुम देसी किताब जिसको मैं तबीयत से पढ़ना चाहता हूँ, एक दिन पढ़ लूंगा। हाय दैया, हम बोले थे ना विभूति भैया के अंदर मास्टर संटीराम जी की आत्मा गई है। चाचा जी, आपने जंक फूड मत खाया करिए ना, अब आपकी जंक फूड खाने की उम्र नहीं रही। अरे बहू, तू कैसी बातें कर रही हो? जंक फूड खाने की आदत पड़ गई है ना, लंदन में जाकर जंक फूड खा के ही तो मैंने अपना टाइम पास किया है। राइट, इसलिए आप जंक खाए हुए लगते हैं अब। भाभी जी घर पर हैं क्या? अरे मास्टर साहब आइए आइए, बैठिए। आइए गुरुजी, आइए आइए गुरुजी, आइए 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 गुरुजी। ये कौन है मास्टर? अरे ये तो विभू है। आप कोई ड्रामा कर रहे हैं क्या मास्टर साहब? नहीं तो। नहीं, ये विभू ऐसे गेटअप में घूम रहा है तो फिर। अरे मुझे याद है, ये छोटे पहलवान के डर की वजह से गेटअप लेकर घूम रहा है। छोटे पहलवान मुझे मिला था, पता है उसने क्या पूछा? उसने कहा कहाँ है ओ तुम्हारा ओ भतीजा? मैं समझ गया, मैंने बहाना बना दिया, मैंने कहा कहीं बाहर गया हुआ है। अरे नहीं नहीं नहीं, आप लोगों को गलत फहमी हो रही है। आप लोग जो सोच रहे हैं ना वो ये नहीं है। हमारा कहने का मतलब है कि विभूति भैया नहीं है। तो क्या शाहरुख खान है? अरे मालूम चल जाओ हम कौन है बुढ़ाऊ। अबे ओए कचड़ू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बुढ़ाऊ कहने की? हिम्मत हो गई, कह दिया सो कह दिया। तो हम क्या पूरा जमाना बोलेगा बुढ़ाऊ? तो मैं बुढ़ाऊ हो तो बुढ़ाऊ हो। बुढ़ाऊ कहने से पहले तू लंदन जाके पूछ, सेनोरिटा से पूछ क्या मैं बुढ़ाऊ हूँ, जूलिया से पूछ क्या मैं बुढ़ाऊ हूँ, रोजमेरी मार्शमेलो से पूछ जाके कि क्या मैं बुढ़ाऊ हूँ। जिस्म के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी बुढ़ा हो गया है। तो हसिया गया। अबे ये हसिया क्या होता है? 60 साल का आदमी सड़िया जाता है, तुम 80 साल के हो तो हसिया गया हो तुम। पर तुम्हारे दिमाग का जो गणित है ना उसके कुत्ते फेल हो गए। अबे सुन कचड़ू, तू हद से आगे बढ़ रहा है, पता है तुझे मेरा दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलता है। झूठ बोल रहा है। ठीक है बोलो, तेरे दिमाग का टेस्ट ले लेते, गणित के सवाल का जवाब दे दे बेटे। हाँ चल पूछ पूछ। तीतर के तो आगे तीतर, तीतर के तो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, ऊपर तीतर नीचे तीतर। बोल बड़ो कितने तीतर? हम बताए गुरुजी। और तुझसे कितनी बार कहा मैंने बेटे जब तक तुझसे पूछा ना जाए तो अपने ये जो थोबड़े का ब्रैकेट ना खोला करियो बेटे। 7 तीतर 7 कैसे बड़ो बेटे? 1 तीतर बीच में, उसके 2 आगे तीतर, 2 पीछे तीतर, समझ गया? टोटल 5, ऊपर तीतर नीचे तीतर, तो 7 तीतर हुए ना। गलत जवाब दे दिया तूने। बेटे तीतर तो 5 ही हैं। कैसे? तीतर के तो आगे तीतर, तीतर के तो पीछे तीतर। एक तीतर किसी ने उड़ा दिया, वो तीतर जाके छज्जे पे बैठ गया। बाकी तीतर तो नीचे ही हैं। लॉजिक है। हमारे एक और गणित के सवाल का जवाब दो बेटे। एक गुफा, उसमें 3 शेर बैठे हैं, उसमें 3 बकरी घुस जाती हैं, 3 हिरन घुस जाते हैं। अब मुझे बताओ कि उसमें कितने जानवर हैं? नो। क्या गलत जवाब दे दिया बुढ़ऊ? बस देखो ऐसा है कि जिस गुफा में 3 शेर बैठे होंगे तो वहाँ बकरी हिरन कैसे सलामत रहेंगे? अब बड़ो बेटी एक काम करो, 180 डिग्री में घूम जाओ। मैं तुम्हारे पिछवाड़े के ब्लैक बोर्ड से अपने संटी के चौक से कुछ लिखना चाह रहा हूँ। शाबाश, उधर को तुम कर लियो बेटे। अब 11 का पहाड़ा पढ़ ले बड़ो बेटे। 11 हो गया, दोनों चाचा भतीजे का नाटक हो गया ना। 11 / 110। अब बस बेबू बहुत हो गया, चलो बेडरूम में मुझे काम है, आ जाओ। नहीं भाभी जी, आप इनको बेडरूम में ले जाने की गलती मत कीजिए। ये वाकई में विभूति भैया नहीं है, ये तो हमारे गुरुजी परम पूज्य श्री संतीराम जी हैं। और आप एक नंबर के घंटी राम जी हैं। अरे बेबू एक्टिंग कर रहा है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ बेबू को, पहले कितनी बार मेरे साथ इस तरह का मजाक कर चुका है। चलो चलो बहुत हो गया, चलो बोलो ना काम है, उठो चलो। अरे आओ, जब देखो ये सब फालतू की चीजें करते रहते। आप कितने पहाड़े पड़ चुके हैं? हम सारे पहाड़े पड़ चुके हैं और पहाड़ों पे भी चढ़ चुके हैं। विभू, विभू, वो घटिया ड्रेस चेंज करके ना अभी कभी बाहर आओ। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। सीरियसली तुम कर्जदारों से बचने के लिए अपनी आइडेंटिटी मिटा देना चाहते हो, मतलब विभू से मास्टर संतीराम हो जाना चाहते हो। लेकिन मैं ऐसा ना बिल्कुल नहीं होने दूंगी। तुम विभू थे, विभू हो और विभू ही रहोगे। What is this? तुमने चेंज नहीं किया, वैसे के वैसे ही बाहर आ गए। क्या है ये? तुम जाओ ना अभी के अभी जाके चेंज करके। आई डोंट लाइक दिस लुक। जाओ। मेरी बेटी भी ऐसी थी, वही जिद, वही नखरे, वही तेवर, मेरी बेटी की तरह। तू भी मेरी बेटी जैसी है बेटे। तुमने मुझे बेटी कहा? Are you mad? मैं तुम्हारी बीवी से बेटी कब से हो गई? तू मेरी बेटी है बेटे, बीवी नहीं है। क्यों मुझे पाप का भागीदार बना रही तू? Oh my God, विभू तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है। तुम अभी कभी मेरे साथ ना एक साइकेट्रिस्ट के पास चलो। चलो। दिमाग मेरा खराब नहीं हुआ है, दिमाग तुम्हारा खराब हो गई है। तो तुमने एक नल्ले से शादी कर ली। तुम भूल रहे हो कि तुम ही वो नल्ले हो। मैं नल्ला नहीं हूँ, मैं मास्टर हूँ, मास्टर संतीराम। तुम विभू हो। मैं मास्टर संतीराम हूँ, वो विभूति नारायण मिश्रा है। मैं तुझसे पहले बोल रहा हूँ कि मैं मास्टर संतीराम हूँ। तुम विभू हो, विभू हो, विभू हो। संदूक कहां से आए? मेरे सभी मॉडर्न कॉलोनी के छात्रों और छात्रा, काफी दिनों से मैं महसूस कर रहा हूं कि हमारे देश में शिक्षा की कमी है। मैं देश में साक्षरता लाकर रहूंगा। बिलवा, ये शक्कर आटा क्या होती है? अबे साक्षरता। हाँ, जो भी मतलब ये साक्षरता क्या होती है? अगर इतना पढ़ा लिखा होता मैं तो मेरी गिनती क्या तुझ जैसे अनपढ़ों में होती? अरे तो ज़्यादा बोल रहा हो क्या? दे पढ़ों में होती। पढ़ यार मेरी अबे लेटर पढ़ रही है, ये बच्चे को सुसु करा रही है। ये तेरे बस की बात ना बावले, मैं पढ़ता हूँ। पढ़ ले। हाँ, आगे लिखा है कि मैं शिक्षा के नए नए दीपक तैयार करूंगा, फिर उन दीपकों में शिक्षा का तेल डालूंगा, उसके बाद मैं अपने देश को शिक्षा की रोशनी से रोशन कर दूंगा। अगर मेरे तैयार किए हुए दीपक कमजोर निकले तो मैं उन दीपकों को तोड़कर फेंक दूंगा। मेरे होते हुए कम से कम कानपुर में कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा। बेटा भूपे, तू मेरा सबसे प्रिय छात्र है। मैं तुझे कक्षा का मॉनिटर बनाऊंगा। मास्टर संटीराम। गुरुजी क्या कहते हो? तीसरी फेल, ये स्कूल यूनिफॉर्म पहन के संटीराम के पास चल लूंगा। इसके अलावा और कोई चारा है? यूनिफॉर्म अगर पहन के ना गए तो वो मास्टर संटीराम मार मार के हमारी खाल उधेड़ देगा। तेरा ये साइज आएगा नहीं आएगा? भूती एड्रेस है, आई जाएगी सारे। भाभी जी का फोन है। हेलो तिवारी जी। हेलो भाभी जी, आपको भी स्कूल यूनिफॉर्म मिला है क्या? जी भाभी जी, हमें भी मिला है। आपको भी मिला है क्या? हाँ, मुझे भी मिला है। आप मास्टर संटीराम की क्लास में आएंगे क्या? हाँ भाभी जी, जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। क्या करे, वो भूत से पाला पड़ा है। नहीं गए तो भूत से पंगा लेने वाली बात हो जाएगी। तो भूत हमें सूद देगा। मरता क्या ना करता। आप आ रही है ना पाठशाला में? आना ही पड़ेगा ना तिवारी जी, वरना मास्टर संटीराम का जालिम दिल अपनी बेटी पर संटिया बरसाने से बास थोड़े ना आएगा। मधुमती, ये मधुमती। दिया, क्या बोल रहे हो? मधुमती बोलना है और क्या बोलना है। लेकिन आप मधुमती नहीं हैं। आप तो हमारी मधुमती हैं। और देखिए भरभूति जी, आपका दिमाग फिर गया है का? हम मधुमती नहीं हैं, हम अंगूरी हैं। अंगूरी मनमोहन तिवारी। और आप ही जो बार बार हमको मधुमती 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 बुला रहे हैं और हमारा दिमाग खराब होएगा ना, तो हम मधुमक्खी बनकर आपको काट काट कर सूजा देंगे। हाँ, हम तो कह रहे हैं तबीयत से काट लो। हम तो ये भी कह रहे हैं खून भी चूस लो हमारा। देखिए अब बहुत हुई गबा। हाँ, ये मधुमती मधुमती बहुत हुई गबा। हम आखिरी डार्लिंग दे रहे हैं आपको। हमने डार्लिंग मान लिया आपको। क्या बोले? वार्नी बोलना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं। हम मधुमती नहीं हैं, आप हमको मधुमती काहे बोल रहे हैं? हम हमारी मधुमती हो। हम कहानी सुनाते हैं तुमको। मधुमती हमारे दिल के ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ वो लफ्ज़ है जो हम मर के भी ना मिटा सकें। हमारी जिंदगी गणित के सवाल की तरह ऐसी उलझी कि हमारे पास कोई जवाब नहीं था, किसी के पास कोई जवाब नहीं था, यानी कि हमारे टीचर के पास भी कोई जवाब नहीं था। इसी उलझन में जिंदगी को मौत ने माइनस कर दिया और इसी गुणन खंड में हमारी जिंदगी खंड खंड हो गई। अब क्या बोल रहे हैं ना, हमरे कछु 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 समझ नहीं आ रहा है। एक खंड खंड का अब शब्द रट रहे हैं। जिंदगी घमंड है, ये प्रेम अगन प्रचंड है। बच जाओगे तो दंड है, जल जाओगे तो झंड है। ये इश्क मेरू दंड है, ना हो जाए खंड खंड है। मधुमती मधुमती, ये हमारी मधुमती तो बात नहीं मान रही है, लेकिन हम भी गणित के टीचर हैं, प्रेम का पहाड़ सिखा के ही छोड़ेंगे। प्रेम एक पे प्रेम। a+b² = बतनिया का अकेला बैठा है यहाँ पे। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या बोले भाभी जी, हमें तो डर डर सा लग रहा है। डर? तिवारी जी, डर तो मुझे लग रहा है, क्योंकि जो मैंने देखा है ना, वो अगर आप देखते तो बेहोशी हो जाते। ऐसा क्या देख लिया तूने बहू? चाचा जी, मैंने जो देखा वो विभू नहीं था, वो मास्टर संटीराम था। मतलब विभूति जी नहीं थे? नहीं तिवारी जी, वो विभू नहीं था, वो कोई और था। वो ना उसकी आंखें एकदम सफेद थी और देखने में ना एकदम क्रूर लग रहा था। यार, ये हॉरर मैन मास्टर संटीराम से छुटकारों का मिलोगे यार? छुटकारों का तो पता नहीं बेटा, अभी तो हम उसके जाल में फंसे हैं। अब तो वो जैसा कहोगे वैसा करना पड़ेगा। अरे भाई, आप लोग बेवजह गुरुजी से डर रहे हैं। वो सख्त हैं, लेकिन अंदर से बहुत स्मूथ हैं। ओ संस्कारी मास्टर, ये मत भूलो कि वो स्मूथ होने के साथ साथ भूत भी हैं। सन्नाटा क्यों है भाई? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या बोले भाभी जी, हमें तो डर डर सा लग रहा है। डर? तिवारी जी, डर तो मुझे लग रहा है क्योंकि जो मैंने देखा है ना, वो अगर आप देखते तो बेहोशी हो जाते। ऐसा क्या देख लिया तूने बहू? चाचा जी, मैंने जो देखा वो विभू नहीं था, वो मास्टर संटीराम था। मतलब भभूति जी नहीं थे? नहीं तिवारी जी, वो विभू नहीं था, वो कोई और था। वो ना उसकी आंखें एकदम सफेद थी और देखने में ना एकदम क्रूर लग रहा था। यार, ये हॉरर मैन मास्टर संटीराम से छुटकारों का मिलोगे यार? छुटकारों का तो पता नहीं वैसा, अभी तो हम उसके जाल में फंसे हैं। अब तो वो जैसा कहोगे वैसा करना पड़ेगा। अरे भाई, आप लोग बेवजह गुरुजी से डर रहे हैं। वो सख्त हैं लेकिन अंदर से बहुत स्मूथ हैं। ओ संस्कारी मास्टर, ये मत भूलो कि वो स्मूथ होने के साथ साथ भूत भी हैं। हम तो उन्हें भूत नहीं समझते, आज हम जो कुछ भी उनकी वजह से भैया हो। अबे साले मास्टर, ये जितना भी रायता फैला है ना, इसका जिम्मेदार तू है, और ये जितना भी लफड़ा हो रहा है ना, इसका भी जिम्मेदार तू है। तू ये कौन बदतमीज है जो हमारे सबसे प्यारे विद्यार्थी के साथ बदतमीजी कर रहा है? उसे साला मास्टर बोल रहा है, सजा मिलेगी। बेंच पे खड़ा हो जा बेटा। कौन बोल रहा था? आप गलत समझ रहे हो मास्टर संटीराम जी। वो क्या है ना, मास्टर भूप सिंह की और मेरी गाली गलौज तो चलती रहती है। हाँ। एक मास्टर के साथ गाली गलौज करता है और शर्म नहीं आती तुझको? सजा तो मिलेगी। चल मुर्गा बन जा, चल मुर्गा बन जा। मास्टर जी, भूल हो गई, अब की बार ऐसा कभी नहीं होगा। मास्टर संटीराम के पास गलती की गुंजाइश नहीं है बेटे। अगर तू बचना चाहता है तो हमारे गणित के सवाल का जवाब दे दे बेटे, तू बच जाएगा। हाँ हाँ, मैं कोई भी जवाब देने के लिए तैयार हूँ, आप पूछिए ना। मेरा सवाल ये है बेटे, गणित का सवाल ये है बेटे कि रामू की भैंसिया एक दिन में 4 लीटर दूध देती है। अब वो भैंसिया 2 दिन में कितना लीटर दूध देगी बताओ बेटे। अब बताए गुरु जी, हम बताए बेटे। भूप सिंह, मुंह बंद कर ले वरना मुंह में कंपास घुसेड़ के खोल दूंगा। बोल बेटे। मास्टर जी, ये तो बहुत ही आसान सवाल है। रामू की भैंस ने अगर एक दिन में 4 लीटर दूध दिया होगा तो दूसरे दिन 8 लीटर दूध दिया होगा। गलत जवाब। रामू की भैंस ने दूसरे दिन सिर्फ 2 लीटर दूध दिया बेटे। क्यों दिया? क्योंकि बेटे उसका पड्डा 2 लीटर दूध पी गया, बचा 2 लीटर। आज बेटे तुझे सजा मिलेगी, सूतूंगा बेटा तेरे को तो चित्रा। तो चलो बेटे क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हाँ? बेटे चंगू मंगू अब तुम खड़े हो जाओ, तुमसे सवाल पूछेंगे। गुरुजी वो आप किसी और को पहले खड़ा कर लीजिए ना। हाँ। हम दोनों बाद में खड़े हो जाएंगे। ये डोकर डोकर जब पिटना ही है तो अभी पिटले या फिर बाद में पिटले, पिटेगा तो है ही ना। आप अरे बहुत ज्यादा बोल रहे हो। खड़े हो जाओ बेटे चंगू मंगू। या व्हाई नॉट। बेटे चंगू मंगू अब हम तुमसे गणित का एक सवाल पूछेंगे बेटे, ठीक है? सवाल ये है बेटे, गणित के सवाल ये है कि एक आदमी को गंजा होने में 5 मिनट लगते हैं बेटे, तो 5 गंजों को गंजा होने में कितने मिनट लगेंगे बताओ? हम बताएं गुरुजी, हम बताएं। बेटा मुंह बंद कर ले भूपी, वरना कुछ घुसेड़ दूंगा, बुरा मान जाएगा फिर। बताओ बेटे। चूस भी सर। चलो तो पता है तुमको। अबे बावले, अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो तेरे साथ बैठा होता, कैलकुलेटर भी ना है। अब अकल लगा ले थोड़ी बहुत। अरे तीसरी फेल, ऐसा करो जैसे एमएलए बन गए। अबे अकल लगा, संटे खानी पड़ेगी। हाँ या आई नो 25 सर 25। हाँ गलत जवाब। अबे वो 5 गंजे तो पहले से गंजे हैं, तो कितनी बार गंजे होंगे? आजा बेटे सजा मिलेगी तुझे, आजा बेटे दोनों को मिलेगी। चंगू मंगू कह रहा था ना पहले से। मुर्गा बन जाओ बेटे, चलो मुर्गा बन जाओ। बेटे सुताई तो होगी, अंदर रखो सर। क्या जरूरत। अरे 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 अरे